जाओ राधिका, जाकर मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए पूजा करो। परंपरा ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। मुझे आज भी याद है वैशाली का पहला करवा चौथ, मैंने भी उसे इसी तरह पूजा की थाली दी थी। लेकिन दादी माँ, राधिका भी सुहागन ही बनी है ना। हमारा मतलब है कि अभी राधिका बहू नहीं बनी तो करवे की पूजा नहीं कर सकती। तो क्या हुआ बेटा, कथा तो सुन सकती है, गौरी गणेश को प्रणाम तो कर सकती है ना। चल कथा शुरू करते हैं। करवा एक बहुत ही पवित्र नारी थी। एक दिन नदी के किनारे बैठकर वो फूलों की माला बना रही थी पूजा के लिए। उसका पति नदी में नहा रहा था कि अचानक एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ये देखते ही दौड़ कर गई और फूलों की माला का जो धागा था उसे मगरमच्छ का मुंह बांध दिया। इस तरह से उसने अपने पति को बचाया। फिर वो यमराज के पास गई और यमराज से कहा कि आप इस मगरमच्छ को दंड दीजिए, उसे नरक में भेजिए। यमराज ने मना कर दिया तो करवा ने श्राप देने का भय दिखाया। यमराज एक सती के तेज से घबरा गए और उन्होंने मगरमच्छ को दंड दिया, उसे नरक में भेजा और करवा के पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। अब मुझे बताओ इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरा करने वाले को दंड मिलता ही है। बिल्कुल सही, लेकिन ये तो मगरमच्छ की बात हुई। करवा की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मगरमच्छ वाली नदी में नहीं नहाना चाहिए। कथा ना हो गई, मॉरल साइंस का पेपर हो गया। राधिका, मगरमच्छ चिंता, कठिनाइयां और दुख का प्रतीक है और नदी भवसागर का। जीवन के भवसागर में जब करवा के पति को दुख और चिंता ने पकड़ लिया था तो करवा के पुण्य और उसके पतिव्रता ने उसके पति को ना सिर्फ चिंता और दुख से मुक्त करवाया बल्कि उसे लंबी आयु भी दिलवाई। देखा मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। आज 27 पर तो चांद निकलने वाला था ना, क्या हो गया उसे? ये चांद भी कब निकलेगा और कब पेट में कुछ जाएगा? ये भाई आज चांद के बड़े ठाट होते हैं। अब इतनी सारी खूबसूरत औरतें सज धज के उसका इंतजार करती हैं तो वो भी तो थोड़ा इतराएगा ना। अरे भाई तुम लोग गाना बजाना क्यों नहीं शुरू करती? जरा रिझाओ चांद को, तभी तो वो अपनी जिद छोड़ के अपनी सूरत दिखाएगा। चलो
भाभी नहीं निकला। पता नहीं कब तक भूखे रहना पड़ेगा, हमारी तो आंतें भी सीधी हो रही है। क्या हुआ भाभी, चांद नहीं दिखा? कहां देवर जी, देवर जी आप ही देखकर बताइए ना कि चांद निकला कि नहीं। नहीं निकला। आज तो खूब तरसाने वाले हैं चांद बाबू, हम सबको बताकर आते हैं कि सब्र रखें। हाँ हाँ जी। राधिका अब जाके शांति मिली है। इतने सारे लोगों के साथ जब मैं तुमसे मिलता हूँ ना तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं तुमसे मिला। मुझे तो बस वो पल पसंद आते हैं जब मैं और तुम सिर्फ अकेले होते हैं। करवा घुमाने की तैयारी हो गई? अरे दीपिका, बिटिया राधिका कहाँ है? उसे भी तो करवा बदलने की रस्म करनी है ना। वो बाहर है, हम अभी बुला लाएं। नहीं दीपिका, देखिए राधिका ये रस्म अगले साल शादी होने के बाद करवा चौथ में निभाएगी। माँ ने जब आपको खाना दिया तो आपने खाया क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है राधिका। आपने व्रत क्यों रखा? क्यों, तुमने भी तो रखा है। मेरी बात अलग है, मुझे तो उपवास रखकर घर पे ही बैठना है। पर आपको तो बहुत काम होंगे ना। ये बात सही कही है तुमने, ऑफिस भी गया था मैं, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही। पर तुम जानती हो मैंने क्या किया? क्या? मैंने सोचा कि अगर राधिका मेरे लिए ये काम कर सकती क्या मैं नहीं कर सकता। मैं भी तो चाहूंगा कि मेरे साथ साथ तुम्हारी उम्र भी लंबी हो। क्यों, सही कह रहा हूं? चांद निकलने के बाद ही हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के ही पानी पिएंगे, है ना? मैंने मंगलसूत्र दिया था ना रखने के लिए, वो देना जरा। हाँ। यही रखा था कुर्ते की जेब में, लेकिन रखा तो यही था। मतलब मजाक है क्या? मंगलसूत्र खो दिया तुमने मेरा। एक काम नहीं कर सकते तुम ढंग से। अरे मुझे नहीं संभाल सकते ना से, कम से कम मंगलसूत्र तो संभाल के रख सकते थे। हम सब तो यही सोचेंगे ना कि मैं कैसी औरत करवा चौथ के दिन मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना। कोई नहीं सोचेगा कि मेरा तो पति ही ऐसा है। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ भाभी? आप इस बात का इशू क्यों बना? हेलो, एक्सक्यूज मी, बड़ा इशू नहीं है ये। मेरे गले में आज के दिन अगर मंगलसूत्र नहीं था तो इस पूजा का, इस व्रत का मतलब क्या रह जाएगा? और खोया किसने? मेरे पति ने, जिसके लिए सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ।
वृंदावन वाले घर में कुछ गहने पड़े हैं, देखना उनमें मंगलसूत्र भी होगा। मैं अभी जाकर लेकर आ। पर तब तक प्लीज किसी से कुछ कहिएगा। हाँ, बोलती तो इस घर में सिर्फ मैं हूँ ना। देव बेटा, चांद निकलने वाला है। फिक्र मत करी जारी, मैं आ जाऊँ। इतना गुस्सा, भूख की वजह से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा लगता है। हमें क्या लगता है, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। प्लीज यहाँ तो कुछ खाते बनेगा नहीं, तैयार तो रहना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने तो अपना काम कर दिया, और तुमने? हाँ, मैंने भी अपना काम कर दिया। देव की गाड़ी के पेट्रोल टैंक में कचरा डलवा दिया। कल सुबह से पहले वापस नहीं आएगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये मंगलसूत्र आकर गया कहाँ? अब लो रखो इसे अपने पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी आपने इसी बात का फायदा उठाया। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था भाई, मृणालिनी भाभी की तो बात ही अलग है। नहीं, देखते जा। थाली तो सजा लो। जी मैं कर लूंगी। चांद आ गया, चलो चलो जल्दी से पूजा कर लो, वरना फिर से गहरे बादल के पीछे छुप जाएगा। चले, व्रत नहीं तोड़ना है क्या? जल्दी चलो। लेकिन जीजी, आपका मंगलसूत्र? अब नहीं आया तो क्या कर सकती हूँ दीपिका? चलो जल्दी करो। थोड़ी देर रुक जाते हैं, आ जाएगा देव। वर्मा जी, बाकियों को तो कर लेने दीजिए, नहीं तो पता चला चांद फिर से बादल में छुप गया। राधिका, एक काम करो, तुम बिना देव को देखे ही पूजा कर लो, काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है राधिका, बेटा दिया जा।
डर रही थी कहीं आप समय पर ना आते तो। कैसे नहीं आता राधिका, आज मुझे कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकती। तुमने दिन भर से उपवास जो रखा है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आपने भी तो सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं।